वेलकम फ्रेंड्स, ये एक नई प्लेलिस्ट में शुरू कर रहा हूँ, नो मोर फियरलेस। किसी भी चीज़ की हमको ज़्यादा जानकारी होगी तो हम उससे नहीं डरेंगे। इसमें मैं कुछ हॉरर फिल्मों के सीन्स या फिर रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जिससे हमें डर लगता है, तो उनसे उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, और उस जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसे चीज़ों से हम कैसे डर को मिटा सकते हैं या डर को जीत सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में पहली जो चीज़ देखने वाले हैं वो है ओपिस्थोटोनस। अब ये ओपिस्थोटोनस मीन्स व्हाट, तो ये मैं आपको एक हॉरर फिल्म का सीन दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, कुछ तरह की पैरानॉर्मल थिंग थी, कुछ तो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी कि जिससे एक 100% को हवा में ऊपर उठाया जा रहा था, और वो मानो बिल्कुल कोई योगा का पोस्चर कर रही थी, ये ऐसा। तो ये एकदम इलॉजिकल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, मतलब कैसे कि एक पर्सन जो पूरी तरह से बेहोश है या फिर सोया हुआ है, नींद में है, वो इस तरह के योगा पोस्चर कर पाएगा, और वो इतना मजबूत उसको पकड़ के रख सकता है कि एक नॉर्मल पर्सन उसको उस पोजीशन को खोल नहीं सकता। इससे भी बुरी बात ये है एक्चुअली कि अगर कोई स्ट्रांग पर्सन ने यहाँ पे ताकत लगाने की कोशिश की तो ऐसा जो हॉन्टेड के जैसा दिखाया हुआ पर्सन है उसकी हड्डियाँ टूट जाएगी, लेकिन उसका पोस्चर बदलने वाला नहीं। फिर चाहे हम ऐसे पर्सन को किसी सॉफ्ट बेड पे रखें या फिर किसी हार्ड फ्लोर पे, ज़मीन पे रख दें, या फिर उसके ऊपर हमने पानी भी डालने की कोशिश की उसको होश में लाने के लिए, तो भी ऐसा कोई भी चीज़ से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। और ऐसा जो अफेक्टेड पर्सन रहेगा, हॉन्टेड पर्सन रहेगा, कुछ ही पलों में वो मर भी जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक की बात बताई थी, तो लॉजिक है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। नहीं, ये किसी भूत का नाम नहीं है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। नहीं सुना, अरे आपने कभी ना कभी वो व्हाइट कलर का टीटी का इंजेक्शन तो लिया ही होगा, है ना? तो वो टीटी का इंजेक्शन हम देने की इतनी कंपल्शन क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न ये है, तो क्लॉस्ट्रिडियम एक बैक्टीरिया है, मिट्टी में रहता है, और मिट्टी से जिस भी चीज़ का टच हुआ है, ऐसे किसी भी जंग लगे हुए नुकीले चीज से वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, ये देखिए। Under conditions of low oxygen, as found in a deep puncture wound, the tetanus spores can germinate to produce living tetanus bacteria. The spores also release a toxin called tetanospasmin, which enters the bloodstream. The toxin then travels up the axon towards the neuron cell body, which is found in the spinal cord. After 2 to 14 days, the toxin reaches the motor neuron cell body in the spinal cord. तो फिर इससे क्या होगा, तो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो उसी तरह से ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी हमारे बॉडी में जाके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ते हैं, उनको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। ये न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे न्यूरॉन्स के, यानी कि जो दिमाग के सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देंगे, और उस वजह से बॉडी में जितने भी मसल हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लेंच हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये ऐसी पोजीशन दिखाई देगी हमें। इसमें वो पर्सन बेहोश हो चुका रहता है, उसका अपनी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, और इस जकड़न की वजह से उसकी सांस भी धीरे धीरे बंद हो जाती है, और ऐसा पर्सन मर जाता है। तो इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है,
कोई भी ऐसा जख्म हुआ तो तुरंत टीटी की वैक्सीन इंजेक्शन ले लेना, यही उसके ऊपर का एकमात्र इलाज है जिससे आप इस डिसीज से बच सकते हो। टीटी के इंजेक्शन की वैलिडिटी है 6 महीने, मतलब एक बार आपने इंजेक्शन ले लिया तो उसके बाद 6 महीने आपको दोबारा इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आपने किसी नुकीले चीज़ से आपको कोई चुभा और अगर वो नुकीली चीज़ मिट्टी में पड़ी हुई थी या फिर उसको जंग लगा हुआ था तो उस पे टीटी के बैक्टीरिया मतलब यानी क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी होने के चांसेस होते हैं, और इस वजह से ऐसी जख्म को साफ धो लेना और टीटी का इंजेक्शन ले लेना ये कंपलसरी होता है। तो फ्रेंड्स, और किस किस बातों को आप जानना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे के सारे सवालों के जवाब ज़रूर ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो होगा कि जो डेड बॉडी से अचानक से ऐसे सांस निकलने जैसा आवाज़ आता है उसके बारे में। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि मरने के बाद भी बॉडी में से ऐसी सांस लेने जैसी आवाज़ आ सकती है। तब तक के लिए नो मोर फियरलेस एंड थैंक यू।